जीता शब्द सुरत तुन देती, जीता रूप काया तेरी, तू आपे रसना आपे बसना, अवर न दूजा कहियो माई, साहिब मेरा एको है भाई एको है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हर किस्म के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हमें तो पत्थर मिट्टी सब हजम हो जाता है, जो मिल जाए खाने के लिए सब चलता है, हम सब कुछ खा लेते हैं, भले ही वो वेज हो या नॉन वेज हो, शाकाहारी या मांसाहारी, उन्हें किसी चीज का कोई परहेज नहीं है। यहां तक कि ये भी सुनने को आता है कि लोग अंडे को भी आजकल वेज मानते हैं, शाकाहारी भोजन मानते हैं। उनका ऐसा कहना होता है कि अभी बच्चे ने जन्म ही कहा लिया है जो हम किसी की जान ले रहे हैं। बल्कि सच्चाई तो यह है कि जिस बच्चे ने अभी मां के गर्भ से जन्म ही नहीं लिया हो, उससे पहले ही अगर मां के गर्भ में ही यदि कोई इस बच्चे को मार डाले तो वो कितना बड़ा पाप होगा। ये पाप ही तो है जो कि इंसान आगे चलकर भुगतता है, उसे दुख रोग आते हैं, फिर वो कहता है कि मुझे बचाओ, रोगों से बचाओ, मेरा निवारण करो, वेदों के पास दौड़ता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, परंतु दुखों का निवारण नहीं हो पाता। इसका कारण ही यही होता है कि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है, जिसके कारण हमें आगे चलकर दुख भोगने पड़ते हैं। कुछ मनमुख जीवों का, मूर्खों का यह भी कहना है कि गुरु साहिबान ने भी, गुरु साहिब जी ने भी, गुरुओं ने भी मांस खाया था। पहली बात तो ऐसे कहने वाले मूर्ख पखंड करते हैं जो वे खुद करना चाहते हैं, वो गुरु के नाम पर करते हैं। ऐसे लोगों को तो आगे चलकर नर्क भोगना ही है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो इसी का प्रमाण देती है कि गुरु साहिब जी ने कभी मांस नहीं खाया, बल्कि शाकाहारी भोजन लेने का, प्रभु के साथ जुड़ने का उपदेश दिया है। व्यर्थ की सोच और व्यर्थ का गंदा भोजन, मांसाहारी भोजन, इसे हमें हमेशा से ही परहेज करना है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हम कभी घास फूस खाना पसंद नहीं करते, यानी कि शाकाहारी भोजन उन्हें अच्छा नहीं लगता, दिन रात वो मांस खाना पसंद करते हैं, ऐसे भोजन में ही आनंद मानते हैं। बल्कि गुरु ने तो हमें सच्चाई की राह पर ले जाना चाहा है और हमेशा से ही
सच्चा और सुच्चा भोजन खाने को कहा है। यहां तक कि हमें जूठन से भी परहेज करना है, यानी कि अपनी थाली में झूठा भोजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भोजन हमें बहुत ही मुश्किल से मिला है। ना जाने हमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो हमें अच्छा भोजन खाने को मिलता है। और यदि आप हिंदुस्तान में ही देखें तो ऐसे कई मनुख हैं जिन्हें पहले तो दो वक्त का भोजन भी नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वो झूठा खाते हैं, थाली से बचा हुआ खाते हैं। कई लोग हम देखते हैं सड़कों पर भीख मांगते हैं, झूठा खाते हैं, बचा हुआ खाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें अच्छा भोजन खाने को दिया। तो हमें इसकी संभाल करनी है, इसका अनादर नहीं करना। भोजन का अनादर जो करता है उसे आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। कई बार हम संसार में ये भी देखते हैं कि कई मनुखों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उन्हें नमक से परहेज करना पड़ता है। भले ही वो व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, परंतु उन्हें हर बात का परहेज करना पड़ता है। कई व्यक्तियों को शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, उन्हें कई चीज़ों से परहेज करना पड़ता है। घर में संपत्ति है, सब कुछ है खाने पीने के लिए, धन दौलत सब कुछ है, परंतु वो खा नहीं सकता। जो खाना वो चाहता है वो भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। ये होता यूं है कि हमारे ही बीजे हुए कर्म हमारे सामने आते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की है। दिसंबर का ही वो महीना था जब चमकौर का युद्ध हुआ था, जंग हुई थी मुगलों के साथ। जिस प्रकार आप सभी जानते ही हैं, हिंदुस्तान में किसी समय पर मुगलों का राज था, जो कि जबरन ही हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया करते थे। उनका जनेऊ उतारकर उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटा करते थे। हिंदुस्तान खतरे में था, जबरन ही कई लोगों को, हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया था। और गुरु गोविंद सिंह महाराज आगे आए, जिन्होंने पहले तो अपना पिता वार दिया, आगे चलकर उन्होंने अपना सर्वंश वार दिया। ये दिसंबर का ही महीना था जब युद्ध हुआ था। कहते हैं 21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा था। 22 दिसंबर को सरसा नदी में परिवार बिछोड़ा हुआ था। 23 दिसंबर में वडे साहिबजादों की शहीदी हुई थी। 24 दिसंबर को गुरु साहिब जी ने चमकौर की गढ़ी छोड़ दी थी, जहां उनके सिंह शहीद हुए थे और बच्चे शहीद हुए थे। 25 दिसंबर को सिखों की शहीदियां हुई। इतिहासकार कहते हैं 25 दिसंबर को बीबी हरभजन कौर जी की भी शहीदी हुई थी। 26 और 27 दिसंबर को सूबे दी कचहरी में छोटे साहबजादों का, आप सभी जानते हैं उस कथा को कि किस प्रकार उन्होंने सूबे की कचहरी में सिखी को झुकने नहीं दिया था। 28 दिसंबर में छोटे साहबजादों की शहीदी हुई थी और माता जी की भी शहीदी हुई थी।
29 दिसंबर में साहिबजादों अते माता उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दिसंबर में इतना सब कुछ हुआ गुरु के साथ, सिखों के साथ, साहिबजादों के साथ, जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरु साहब जी ने चमकौर की गड़ी छोड़ दी, दो बड़े साहिबजादे शहीद हो गए, पांच सिखों का हुक्म हुआ था, उस हुक्म अनुसार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गड़ी को छोड़ दिया। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। इस अनुसार 8 पौ की रात को सिखों को कहा, हम आपको माछीवाड़े के जंगलों में मिलेंगे, आप सभी ध्रुव तारे को देखते हुए माछीवाड़ा जंगल की तरफ होते हुए आना, हम आपको वहीं पर मिलेंगे। इसी प्रकार कहते हैं कि भाई गुलाबा जी के पास चौबारे साहिब में गुरु साहिब जी उनके घर पर रहे, इनके घर से ही कहते हैं भाई घनी खान और नाभी खान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को अपने घर ले गए थे। कहते हैं मुगलों की फौज चारों ओर गुरु साहिब जी को ढूंढ रही थी, उनका पीछा कर रहे थे सभी। और कहते हैं मुगल फौज के एक महामंत्री थे, सिपा सलार थे, बहुत बड़े फौजी थे, जिनका नाम इतिहास में दिलावर खान आया है। कहते हैं इस दिलावर खान ने जब दिल्ली को छोड़ा तो उसने परवरदिगार खुदा के आगे अरदास बेनती की, उसने खुदा के आगे पुकार लगाई, एक सुखना सुखी उसने कहा कि गुरु के साथ उसे और उसकी टोली को युद्ध ना करना पड़े, तो मैं खुदा के आगे खुदा का नाम लेकर जो उच्च का पीर होगा उसे 500 मोहरे वो भेंट करेगा। ऐसी दिलावर खान ने सुखना सुखी थी। अब हुआ यूं, गुरु साहिब जी सब कुछ जानते थे। इतिहासकार का कहना है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखों के समेत कहते हैं नीले वस्त्र उन्होंने पहने, सभी सिखों ने नीले वस्त्र पहन लिए। इस कहे अनुसार नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुरक पठाई अमल किया। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं आज भी बहावलपुर जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ आज भी सुखी फकीर रहते हैं जो कि केसाधारी हैं, उन्होंने पूरे केस रखे होते हैं, वे कभी केस नहीं काटते और हमेशा ही नीले वस्त्र पहनते हैं। तो हुआ यूं, गुरु साहिब जी कहते हैं एक मंजी पर बैठ गए और भाई दया सिंह जी जो कि उनके पीछे खड़े होकर चौर साहब कर रहे थे, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी और भाई गनी खान जी और भाई नाभी खान जी जो कि गुरु के पूर्ण सिख थे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को बहुत मानते थे, गुरु सिखी के अनुसार चलते थे, उन्होंने ही गुरु साहिब जी को अपने
घर पर शरण दी थी, उनकी सेवा की और अपने जीवन को सफल किया था। इतिहास को अगर हम देखें तो ऐसे कई मुस्लिम हुए हैं जिन्होंने गुरुओं का साथ दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ही खुद पिता परमेश्वर, खुदा अल्लाह आप हैं। खुदा अल्लाह में और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही हैं। पिता परमेश्वर खुदा आप धरती पर आए हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के रूप में, ऐसा कई मुस्लिम मानते थे और सिखी के अनुसार ही चलते थे। तो अब हुआ यूं कि जैसे कि सिख गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को मंजी पर बिठाकर, पलंग पर बिठाकर ले जा रहे थे, ये सब कुछ तो गुरु का ही खेल होता है। जैसा गुरु पिता परमेश्वर चाहता है वैसा ही होता है। कहते हैं ये जो दिलावर खान था, मुगल फौज का सिपा सलार मंत्री, ये उस ओर आया जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज मंजी पर बैठकर जा रहे थे नीले वस्त्र पहनकर। तो अब हुआ यूं, इस दिलावर खान ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का राह रोक लिया, कहा ये कौन है और आप लोग इन्हें उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं। कहते हैं भाई गनी खान और नाभी खान ने उत्तर दिया कि ये तो उच्च की पीर है जिन्हें हम पवित्र स्थानों की यात्रा करने ले जा रहे हैं। इस पर दिलावर खान ने कहा हमें शिनाखत करनी होगी, शिनाखत के बिना हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। उन्हें शक था कि यही कहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तो नहीं। शक के अनुसार उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया था और कहा आपको मांस खाना होगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म में मांस खाना एक आम बात मानी जाती है। और कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि दिलावर खान ने उस वक्त गुरु को और गुरु के सिखों को गाय का मांस खाने को कहा था। अब हुआ यूं, इस पर नबी खान ने कह दिया कि हमारे गुरु ने तो रोजा रखा हुआ है, वो कुछ खाएंगे नहीं, कुछ खाते पीते नहीं हैं वो इन दिनों। कहते हैं इस पर दिलावर खान ने क्रोध में आकर कहा तो फिर ठीक है, आप चारों को मांस खाना होगा। जब दिलावर खान ने भाई दया सिंह जी को, भाई धर्म सिंह जी को मांस खाने को कहा तो कहते हैं भाई दया सिंह जी ने गुरु साहब जी को देखते हुए कहा, वे बोले सच्चे पातशाह रोजे का बहाना करके आप तो बच गए, अब हमारा क्या होगा, हमें तो मांस खाना पड़ेगा। गुरु साहब जी ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं दया सिंह जी। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने कमर कस्से में से एक कृपाण निकाली और उस कृपाण को निकालकर उन्होंने भाई दया सिंह जी को दी, पकड़ाई और कहा जब आपके हाथ में खाना आएगा तो उस खाने में इस कृपाण को फेर देना, वो कड़ा पसार बन जाएगा। अब हुआ यूं, जैसे ही थाली खाने के सामने आई, मांस की थाली जिसपे मांस रखा हुआ था, तो कहते भाई दया सिंह जी ने उस कृपाण को वाहेगुरु कहकर, गुरु का ध्यान धरकर
उस कृपान को उस थाली में उस भोजन में जब फेर दिया तो वो भोजन कड़ा प्रसाद बन गया। आप सभी देखते हैं, आप सभी ने बचपन से देखा होगा कि गुरुद्वारों में हमेशा हम कृपान फेरते हैं। आपके मन में कई बार विचार भी आए होंगे कि हम कड़ा प्रसाद को, लंगर को हम कृपान क्यों फेरते हैं। दरअसल ये वही साखी है जहां से कृपान फेरना शुरू हुआ था। जब कृपान को दया सिंह जी ने फेरा उस मास के भोजन में तो वो कड़ा प्रसाद बन गया था। जब हम किसी भी भोजन को गुरु का नाम लेकर, गुरु का ध्यान धर के, वाहेगुरु का सिमरन करके, गुरु की बख्शी हुई सर्व लोहे की कृपान के साथ जब हम भोजन में फेरते हैं तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, केवल भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। पहले प्रसाद वो गुरु छकता है, गुरु को अर्पण होता है। पहले तो 10 गुरु साहब जी हमारे साथ थे, आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के रूप में गुरु हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमें कभी ये नहीं समझना कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक ही गुरु रहे हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरुगद्दी संभाली, उपरंत आज गुरुगद्दी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पास है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आज गुरुगद्दी पर विराजमान है। हमें गुरु साहिब जी को, हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पूर्ण गुरु मानना है। ये हमारे गुरु हैं, हमारा सारा ख्याल ये गुरु साहिब जी ही रखते हैं। जो भी हम अरदास करते हैं हमारी सारी अरदासें गुरु साहिब जी पूरी करते हैं। हमारे अंदर की जानते हैं, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, वो सभी की दिलों की जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि गुरु घर में ही नहीं, आज हम संसार में विचर रहे हैं, गुरु हमारे अंगसंग है, हमारे साथ है, हमारा हमेशा साथ देता है। जब सिखों पर विपता आ जाती है, जिस प्रकार भाई दया सिंह जी पर, तरम सिंह जी पर, गली खान, नबी खान जी पर विपता आ गई थी, उन्हें मांस खाना पड़ा, तो कृपान फेर कर गुरु साहिब जी ने उनकी मुश्किल दूर कर दी थी। गुरु साहिब जी सिखों की रक्षा करते हैं, उनकी अदासे सुनते हैं। तो ये वही साखी है जिसके उपरांत हम आज भी भोजन में, लंगर में, कला प्रसाद में कृपान फेरते हैं, जिससे कि वो भोजन पवित्र बन जाता है, गुरु का प्रसाद बन जाता है। यदि हम घर पर खाना बनाएं और कड़ा प्रसाद भी बनाएं, यदि अगर हम उस कड़ा प्रसाद में या भोजन में कृपान ना फेरें, तब तक वो लंगर नहीं बनता, तब तक वो गुरु का प्रसाद नहीं बनता। परंतु कृपान फेरने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, वो गुरु को परवान चढ़ जाता है भोजन, और उसका स्वाद ही अलग होता है। जिस प्रकार हम आम सुनने में आता है, आम सुनते हैं कि जो प्रसाद होता है उसमें हमें बहुत आनंद आता है, घर के भोजन में वो आनंद नहीं आता। एक बुटकी खा ले अगर हम लंगर के भोजन में तो वो आनंद आ जाता है। वो आनंद यही है क्योंकि वो गुरु का छका हुआ होता है भोजन। जब हम कृपान को फेरते हैं तो गुरु छक लेता है वो भोजन। इसी प्रकार हुआ यूं कि दिलावर खान की शनाख्ती पूरी नहीं हुई थी। कहते हैं दिलावर खान ने काजी नूर मोहम्मद को बुलवाया, जो कहते हैं वहां के बहुत बड़े काजी थे। दिलावर खान का यह कहना था कि अगर काजी ने हां कह दी तो मैंने छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। तो हुआ यूं, ये जो काजी नूर मोहम्मद खान थे वो गुरु के ही संगी थे, गुरु को ही
प्रेम करने वाले थे, गुरु के ही प्रेमी थे, गुरु को ही मानने वाले थे और गुरु साहिब जी के दर्शन करके वो निहाल हो गए और उन्हें जाने को कह दिया। दिलावर खान को कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि इस गुरु ने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि दिलावर खान तो ये समझ रहा था कि ये कोई उच्च की पीर है, मुस्लिम पीर है, परंतु थे तो वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ही। अब हुआ यूं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दिलावर खान से कह दिया, भाई सुबह तुमने दिल्ली से निकलते वक्त खुदा के आगे एक मांग मांगी थी कि तुम्हें कोई उच्च का पीर मिलेगा तो तुम उन्हें 500 मोहरे दोगे, वो तुम भूल गए। कहते हैं दिलावर खान ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरण पकड़ लिए, उच्च का पीर जानकर वो समझ गया कि ये जो गुरु हैं वो सभी कुछ जानते हैं, खुदा के बंदे हैं। दरअसल वो थे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप, जो कि काटकट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत। गुरु साहब जी तो सभी के दिलों की जानते हैं, हम क्या अरदास कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार चलते हैं, इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, सभी कुछ गुरु साहब जी जानते हैं। गुरु साहब जी से कोई भी छुपा नहीं हुआ है। तो कहते हैं दिलावर खान ने उसी वक्त 500 मोहरे उच्च के पीर यानी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में रख दिए, जिन मोहरों को गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई गनी खान और भाई नाभी खान को उपहार स्वरूप दे दिए। और कहते हैं आगे चलकर गुरु साहब जी ने दीवान सजाए, प्रसाद भेटा चढ़ाया, कृपान फेरी और तब से वो प्रथा चलती आ रही है कि हम जब भी गुरु घर में कुछ अर्पण करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें कृपान फेरते हैं ताकि वो गुरु आप छक लें, आप ग्रहण करें, फिर वो साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है और गुरु को प्रवान चढ़ जाता है। ये जो साखी है वो साखी है गुरुद्वारा कृपान भेंट की, जहां पर ये सब कुछ हुआ था। इसके उपरांत ही आज भी ये प्रथा चलती आ रही है और ये प्रथा, ये रिवाज कयामत तक चलता रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हम इसी प्रकार लंगर छकते रहेंगे, लंगर में, भोजन में, कड़ा प्रसाद में कृपान को फेरकर गुरु साहिब जी को उस भोजन को अर्पण करके ही हम छकेंगे तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं, सत्संगत बख्शन योगो पुल्ला बख्शो, सत्संगत आशीष बख्शो की दास सबकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 लाख जूनी ना भोगनी पड़े, सत्संगत ऐसी आशीष बख्शना। सत्संगत आशीष बख्शना की दास का परिवार हमेशा सुखी रहे और वजदा रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।